गुड आफ्टरनून एवरीवन। कोविड के सिलसिले में जो एक प्रेस ब्रीफिंग का सिलसिला था उसको कंटिन्यू करते हुए मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज की डेट में सेकंड सर्च के बाद हमारे पास अभी तक 1521 केसेस हुए हैं जो पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से आज की डेट में हमारे पास 167 एक्टिव केसेस हैं और 1340 पीपल जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल में एडमिशंस की तो आज की डेट में हमारे पास 10 पेशेंट जो हैं वो टोटली एडमिट हैं हॉस्पिटल में, और कोविड केयर सेंटर में बहुत कम पेशेंट बचे हुए हैं। हमारे पास सिर्फ 12 पेशेंट जो हैं कोविड केयर सेंटर्स में हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे पूरी कंट्री में और पूरी यूटी में नंबर ऑफ केसेस कम हो रहा है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी नंबर ऑफ केसेस कम हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीक में हमारी जो पॉजिटिविटी रेट था डिस्ट्रिक्ट का वो 2.72 था, और अगर मैं इस हफ्ते की बात करूं वो 2% से कम जा चुका है और 1.97 जो है वो पॉजिटिविटी रेट इस वीक में रहा है। इसके साथ साथ कंटेनमेंट जोन का नंबर भी कम हुआ है। वो एरिया जिसमें आज की डेट में कोविड पेशेंट नहीं हैं हमने उनको डी नोटिफाई किया, और अभी तक 13 कंटेनमेंट जोन जो हैं हम डी नोटिफाई कर चुके हैं, और 15 कंटेनमेंट जोन आज की डेट में भी 21 हेमलेट जो हैं उन पर मुश्किल हैं, और उनमें अभी भी कंटेनमेंट मेजर जो हैं चल रहे हैं। उनको भी फेस मैनर में सैम्पलिंग करते हुए जब उनका टाइम पीरियड पूरा होगा हम उनको भी डी नोटिफाई करेंगे। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि हमारा वैक्सीनेशन की अच्छी अचीवमेंट है 45+, और जैसा कि आप लोगों की डिमांड भी थी लास्ट वीक में और मैंने कहा भी था कि जस्ट वेट करो, और पिछले कल से यहाँ 18-45 एज ग्रुप की जो वैक्सीनेशन है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूँगा कि अपने आप को रजिस्टर कराएं और अपने टाइम पे या अपनी टर्न पे आके अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, बिकॉज वैक्सीनेशन ही हमारे पास एक वाहिद इलाज है कोरोना से बचने का। इसके साथ साथ अगेन बताना चाहूँगा हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। इस समय हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ कोविड जो मेडिसिन हैं वो अवेलेबल हैं। अभी तक हमने 959 कोविड किट्स जो हैं वो लोगों को जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट की हैं, एंड वी हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ कोविड किट्स विद अस। तो उम्मीद करते हैं कि उन कोविड किट्स की जरूरत ना पड़े, और डेली जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं सैम्पलिंग हम बढ़ा रहे हैं, बट नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो डेली बेसिस पे कम होते जा रहे हैं। बीच में समटाइम्स सडन करप्ट होता है ट्रेवलर्स का कि कुछ लोग आते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं, जैसे सिंथन रोड से 2-3 लोग पॉजिटिव आए हमारे। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कोविड को लेके हमें अब चिंता की जरूरत नहीं है। अनलॉक जो है वो शुरू हो चुका है, रूटीन में शॉप्स खुल रही हैं, और आने वाले दिनों में जो जैसे ही कंडीशन इम्प्रूव होगी इसमें अनलॉक की प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी। थैंक यू।